सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज शेयर एंड वेलकम टू बैक। सो गाइस, आज की वीडियो में जो तो बात करने वाले हैं टॉप 5 गूगल क्रोम के एक्सटेंशन के बारे में, जो जो है तो आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने चाहिए। आपका इससे जो तो बहुत ज़्यादा टाइम जो तो बचने वाला है, और आपका जो तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वाला काम रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा ईजी जो तो होने वाला है। आप एक स्टूडेंट रहोगे तो आपके लिए ये एक्सटेंशन जो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो तो होने वाले है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, हमारा फर्स्ट वाला एक्सटेंशन आता है लिंक टू टेक्स्ट फ्रेगमेंट। ये जो तो गूगल ने खुद से अपना एक्सटेंशन बनाया है, कुछ भी वायरस वायरस नहीं है इसमें। आप जो तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, और आप कोई भी ऐसा एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो जिसके मैंने अभी आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। एक वेबसाइट पर जो तो कुछ पढ़ लिया, और आपको वो जो तो आपके फ्रेंड को जो तो भेजना है डायरेक्टली, बस उतना ही टॉपिक आपको जो तो भेजना है आपको आपके फ्रेंड को पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप बस जो तो वो सब जितना भेजना है उसके ऊपर जो तो ऐसा क्लिक करके कॉपी के इसके ऊपर जो तो क्लिक करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी टू लिंक टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब ये जब एक्सटेंशन ऐड करोगे आप क्रोम में तो आपको ऐसे नीचे आएगा। तो इसके ऊपर जो तो क्लिक करने के बाद आपका जो तो सिंपल से इसी पार्ट का जो तो एक लिंक तैयार हो जाएगा, और वो लिंक जो तो आप डायरेक्ट आपके फ्रेंड को जो तो भेज सकते हो, और डायरेक्ट वो जब भी उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो बस पर्टिकुलर इसी पार्ट के ऊपर जो तो आएगा और वो जो तो पढ़ेगा। इससे जो तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को जो तो पढ़ने के लिए समझने के लिए। हमारा सेकंड वाला एक्सटेंशन आता है गो फुल पेज। ये जो तो एक अच्छा एक्सटेंशन जो तो आपके लिए होने वाला है जब भी आप एक स्टूडेंट रहोगे तो, और कोई भी दूसरा आदमी रहेगा तो उसके लिए भी जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन। क्योंकि इसमें जो है तो आपको आप एक वेबसाइट पे चले गए हो, और उस वाले वेबसाइट का जो तो आपको पूरा जो तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, और आप उसको जो तो जल्दी में हो उसको लिख नहीं सकते, या उसका जो तो पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, तो आप इस एक्सटेंशन को जो तो यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, बस आपका जो भी गूगल क्रोम रहेगा उसके ऊपर आपको एक एक्सटेंशन ऐड करने के बाद गो फुल पेज का एक आइकन दिखेगा और एक नाम दिखेगा। बस आपको जो है तो उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद ये जो है तो आपका पूरा जितना भी जो वेबसाइट रहेगा आपने ओपन किया हुआ उसका जो है तो पूरा स्क्रीनशॉट जो है तो ले लेगा। फिलहाल के लिए मैंने जो तो यूट्यूब ओपन किया, आपका कोई भी वेबसाइट जो तो हो सकता है रह सकता है। और बस यहाँ पर आने के बाद जो आपका गो फुल पेज का जो तो नाम है उसके ऊपर जो तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो तो पूरा इसने जो तो एक स्क्रीनशॉट जो है तो निकाल लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और हमारा पूरा यूट्यूब का जो है तो पूरा के पूरा जो है तो उसने फोटो जो है तो यहाँ पे जो तो निकाल लिया है। ये जो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है आप अगर एक वेबसाइट को जो तो सर्व कर रहे हो तो। गाइस, हमारा थर्ड वाला एक्सटेंशन आता है ग्रामरली। ये जो तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने जो तो इसको यूज़ भी किया होगा, मगर बहुत सारे लोग जो तो इसको यूज़ नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो तो एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन जो तो राइटअप करते हो, नहीं तो ऑफलाइन भी जो तो राइटअप करते हो, तो आपके जो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं। तो वैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो तो हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो मैं हैप्पी का स्पेलिंग जो तो HAPPY रहता है, तो ग्रामरली ऐसे जो तो आपकी हेल्प करता है। कोई भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो उसको जो तो वो सुधारता है, और ऑटोमेटिक आपको जो तो सजेस्ट कर देता है कि आपका ये स्पेलिंग रॉन्ग आया है। तो वैसे हमारा फोर्थ वाला एक्सटेंशन आता है ड्यूल्स। ये जो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला जो तो एक्सटेंशन होने वाला है गूगल क्रोम के लिए। एक आपके पास एक ही स्क्रीन रहेगा और उसमें आपको जो तो स्क्रीन को डिवाइड करना है तो वो जो तो आप कर सकते हो, मगर बहुत सारे लोगों के सिस्टम में विंडोज 11 अभी नहीं चल रहा है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो आप इस वाले एक्सटेंशन को जो तो यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू जो तो आप आपका स्क्रीन का जो तो पूरा डिवाइड कर सकते हो, आपको आपकी स्क्रीन कितने पार्ट में जो तो डिवाइड करनी है, जो टैब है कितने इसमें आपको डिवाइड करना है, तो वो आप यहाँ से जो तो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, और आपने देख सकते हो मेरे दो पार्ट में जो तो डिवाइड हो गए हैं स्क्रीन। तो ऐसे जो तो आप इसको जो तो यूज़ कर सकते हो। तो वैसे हमारा फिफ्थ वाला एक्सटेंशन आता है, ये जो तो हमारा लास्ट वाला एक्सटेंशन है मगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो तो एक्सटेंशन, वो सभी वाला वेबसाइट रहे उसको जो तो यूज़ कर रहे हो तो उसको जो तो वो डार्क थीम में जो तो कन्वर्ट कर देता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे अभी जो नए नए वेबसाइट से, नहीं तो जो पुराने वाले वेबसाइट से, वो लोग जो है तो डार्क थीम जो तो अपनी वेबसाइट की बना रहे हैं, मगर जिन वेबसाइट ने अब तक नहीं बनाई, तो आप इस गूगल क्रोम के एक्सटेंश को जो तो यूज़ कर सकते हो उस वाली वेबसाइट को जो तो डार्क थीम में जो तो कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस जो तो ओपन हो जाएगा, और ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे जो तो ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद
आपका जो भी वाला वेबसाइट रहेगा उसका जो तो पूरा डार्क थीम में जो तो कन्वर्ट दे कर देगा। आप देख सकते हो हमारा पूरा यूट्यूब जो तो डार्क में हो गया है। यूट्यूब ने जो तो अब तक अपना जो तो डार्क थीम जो तो रिलीज़ नहीं किया है, मगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो तो अपना यूट्यूब जो तो डार्क हो गया है। तो आप इसके मदद से जो तो ऐसा फ़ायदा जो तो उठा सकते हो और अपनी आँखों को जो तो ख़राब होने से जल्दी ख़राब होने से जो तो बचा सकते हो। तो गाइस यही थे हमारे आज के जो तो 5 एक्सटेंशन, आपको कैसे लगे और आपको इसमें से कौन सा वाला बेटर लगा वो मुझे जो तो कमेंट में ज़रूर से बताना। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।